नन्ही सी कली है ये, भारत का खिलता कमल है ये, बाल दिवस पर है इन्हें सिखाना, जीवन अनमोल है यूं ही ना गवाना, देश के भविष्य हो तुम, शक्तिशाली युग की ताकत हो तुम। बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं, उनका विकास देश के विकास को मजबूती देता है। जितना शक्तिशाली देश का बच्चा होता है, उतना ही उस देश का युवा प्रभावशील बनता है और उतना ही उज्जवल उस देश का भविष्य होता है। इसलिए हमारे देश में प्रति वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन एक राष्ट्रीय त्योहार बाल दिवस के रूप में बच्चों को समर्पित किया गया है। आइए दोस्तों, प्रस्तुत है हमारे चैनल दीपावली द्वारा बाल दिवस पर भाषण। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है, जिसकी दिनांक 20 नवंबर है। इसकी घोषणा 1 जून 1950 में वुमेन्स इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन द्वारा की गई थी। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तारीख पर ये दिन मनाया जाता है। भारत देश में ये दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए ही बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। आता है हर वर्ष ये पल, झूमे नाचे बच्चे संग संग, देते चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि, थे ये देश के पहले प्रधानमंत्री, करते थे बच्चों से प्यार। चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष प्रेम था, वे अपना समय बच्चों के बीच बिताना बहुत पसंद करते थे और बच्चे भी इनके साथ सहज महसूस करते थे, आसानी से इनसे जुड़ जाते थे, अपने दिल की बात इनसे कर पाते थे। इसलिए बाल दिवस के लिए नेहरू जी के जन्म दिवस से अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता था। हर जयंती पर होता बच्चों का सत्कार, कच्ची मिट्टी से है बच्चों का आकार, सच्चे सांचे में ढल यही है दरकार, ना हो अन्याय से भरा इनका जीवन, प्रतिज्ञा करो ना करोगे बाल शोषण। बाल दिवस इतिहास, बच्चों के अधिकारों के हन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनके अधिकारों की भी घोषणा की गई और उसी के आधार पर बाल दिवस मनाए जाने की बात को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। विश्व स्तर पर बाल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव श्री वी कृष्ण मेनन द्वारा दिया गया था, जिसके बाद सबसे पहली बार बाल दिवस अक्टूबर में मनाया गया। सभी देश में इसे मनाए जाने एवं संस्कृति मिलने के बाद संयुक्त महासभा द्वारा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की घोषणा की गई। भारत देश में कई बाल श्रमिक हैं, जबकि हमारे देश में 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को किसी भी तरह का काम करने की इजाजत नहीं है। बाल अधिकारों को सामने रखने के लिए तथा उनके प्रति सभी को जागने के लिए बाल दिवस का होना जरूरी है। इस एक दिन के कारण सरकार एवं अन्य लोगों का ध्यान इस ओर कराना जरूरी है। इस एक दिन से इस समस्या का समाधान आसान नहीं है, लेकिन इस ओर सभी के ध्यान को केंद्रित करने के लिए इस एक दिन का होना जरूरी है। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर वे पढ़ने लिखने की उम्र में काम करेंगे, आजीविका के लिए खून पसीना एक करेंगे, तो देश का भविष्य अंधकार में होगा। सामान्य शिक्षा सभी का हक है और उसे ग्रहण करना आज के बच्चों का कर्तव्य है। भी होना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। बाल दिवस एक ऐसा आईना होना चाहिए जिसके जरिए सभी को बालकों के अधिकार का पता चले और इसका हनन करने वालों को इस बात की गहराई का पता चले कि वे किस प्रकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तभी बाल दिवस का होना कारगर सिद्ध होगा। कैसे मनाया जाता है बाल दिवस? भारत देश में बड़ी धूमधाम से बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी जाती है। बच्चों के चहेते चाचा नेहरू के जीवन के पन्नों को आज के दिन पलटा जाता है। आने वाली पीढ़ी को आजादी के लिए दिए गए इनके योगदान के बारे में बताया जाता है। विभिन्न तरीकों से बाल दिवस मनाया जाता है। विशेषकर विद्यालयों में
बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किए जाते हैं। कई तरह की प्रतियोगिता रखी जाती है, कई तरह के नाटकों का आयोजन किया जाता है, नृत्य गायन एवं भाषण का भी आयोजन किया जाता है। बच्चों के लिए खास तौर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार में बच्चों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए पिकनिक एवं कई स्कूल खुद का आयोजन किया जाता है। इस दिन रेडियो पर भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस तरह पूरे देश में स्कूल, सरकारी संस्थाओं एवं कॉलोनी में बाल दिवस का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिता रखी जाती है जिससे उनके अंदर के कई गुणों का पता चलता है और इसी से बच्चों का सर्वांगिक विकास होता है। बाल दिवस केवल एक त्योहार नहीं है, इस दिन बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्य सिखाना हम नागरिकों का फर्ज है ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। सबसे पहले हमें खुद को बाल दिवस का महत्व समझाना है ताकि हम बच्चों का शोषण ना करें और ना होने दें। जब तक देश के बच्चे स्वस्थ एवं शिक्षित नहीं होते तब तक एक अच्छे देश की कल्पना व्यर्थ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।